हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की कुकिंग आइडिया में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलो बनाते हैं बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आ जाइए। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और सभी को ना बस यही डिमांड रहती है कि बस गर्मा गर्म कुछ खाने को या गर्मा गर्म सूप पीने को मिल जाए। तो सभी सोने के लिए जा रहे थे, अचानक से सभी का सूप पीने का मन कर दिया। सभी ने डिमांड की कि सूप बना लो, वो भी वेजिटेबल्स वाला। तो मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स पड़े थे, बस उसी से सूप बनाकर रेडी किया। सभी को खूब पसंद आया। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो ये सारे वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे सूप बनाने के लिए। तो गैस के ऊपर कोई गहरा बर्तन रखेंगे। तो आज मैं सूप को ना बटर में बनाऊँगी ना ही तेल में बनाऊँगी, आज हम बनाएंगे घी में और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तो पैन में एक टेबल स्पून घी ऐड कर दिया, घी अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें 5-6 बारीक कटे हुए लहसुन ऐड कर देंगे, थोड़ा सा अदरक ऐड कर देंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई कर लिया है। चलिए अब इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां ऐड करते हैं। तो एक बारीक कटी हुई गाजर ऐड की है, थोड़ी सी बीन्स ऐड की है, आधी ब्रोकली ऐड की है, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ऐड की है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर एक मिनट के लिए इसे पका लेंगे। फिर इसमें थोड़े से प्याज के पत्ते ऐड करेंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करते हुए एक मिनट के लिए पका लिया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और एक टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और फिर से सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर ऐड करने से टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है सूप का, इसलिए ऐड कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें अब अच्छे से मिक्स हो गई। अब गैस की फ्लेम एकदम लो कर देंगे। फिर इसमें वेजिटेबल स्टॉक ऐड करेंगे। तो जो हमने सब्जियां कट की थी उसका वेस्ट पार्ट बच गया था, उसे अच्छे से वॉश करके अच्छे से हमने बॉईल कर लिया था, तो वो स्टॉक हमारा रेडी हो गया। चलिए अब इसमें ऐड करते हैं। तो वेजिटेबल स्टॉक हमने ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लिड से कवर करके 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे। जब सूप हमारा थोड़ा पक जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का स्लरी रेडी करके ऐड करेंगे, थोड़ा सूप को थिक बनाने के लिए। अगर आपको ऐड करना है तो करिए, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सूप हमारा आधा पक गया है। चलिए अब इसमें कॉर्नफ्लोर का स्लरी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट और पका लेंगे। तो ये वेजिटेबल सूप बनके हमारा रेडी हो गया। चलिए अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो गर्मा गर्म सूप फटाफट सर्व कीजिए और सभी को पिलाइए, अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली को और आपके घर में जितने भी बच्चे हो सभी को दीजिए। सब बहुत खुश हो जाएंगे और रात को बहुत अच्छी नींद आने वाली है, माइंड भी एकदम रिलैक्स फील होता है। तो फटाफट आप भी इसे एंजॉय कीजिए। तो आज मेरे वेजिटेबल सूप की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।